देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स सोमवार को बड़ी मुश्किल में फंसे रहे। SBI कस्टमर्स UPI और नेट बैंकिंग सर्विसेज और SBI योनो ऐप में दिक्कतें हुई और लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर जमकर रिपोर्ट किया। हालांकि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने कहा कि उसकी डिजिटल सर्विसेज में एक टेक्निकल दिक्कत आ गई थी जो कि कुछ घंटे चली और इसे अब दुरुस्त कर लिया गया है। इस टेक्निकल ग्लिच के चलते लोग इंटरनेट बैंकिंग, UPI ट्रांसफर्स और योनो ऐप को भी कुछ घंटे तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। कस्टमर्स के मुताबिक SBI के सर्विस में दिक्कतों के चलते बैंक की ऑफर की जाने वाली ऑनलाइन सर्विसेज अटक गई। कस्टमर्स को 3 अप्रैल की सुबह ही इन सर्विसेज के इस्तेमाल परेशानी हो रही थी। इनमें नेट बैंकिंग, UPI और योनो ऐप का इस्तेमाल शामिल रहा। तमाम यूजर्स ने अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और बैंक की खस्ता हाल सर्विसेज को रिपोर्ट किया। एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए बैंक ने कहा कि इसके सर्वर्स पर नेटवर्क ट्रैफिक और टेक्निकल इश्यूज के चलते असर पड़ा है। बैंक ने कहा कि वे इसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं और बैंक ब्रांच बैंकिंग और दूसरी डिजिटल सर्विसेज को मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर बैंकिंग आउटेजेस को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने भी SBI के इस मसले की रिपोर्ट की। वेबसाइट ने कहा कि SBI में इस तरह की दिक्कत रविवार को भी आई थी। सुभाषीष बैनर्जी नाम की यूजर ने तो ट्वीट में कहा कि SBI सर्वर तकरीबन हर दिन खराब होता है और बैंक के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बैंक अपने सर्वर की मरम्मत 4 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन भी कर सकता था क्योंकि उस दिन छुट्टी है। हमें ट्रांजैक्शन में मुश्किलें आ रही हैं। एक और यूजर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजर्व बैंक को टैग करते हुए कहा कि SBI के सर्वर्स 31 मार्च से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये चौथा दिन है जबकि साइट ऐप पूरी तरह से ठप पड़े हैं। क्या ये बैंक पर साइबर अटैक है या यही अच्छे दिन है? जवाब दीजिए, क्योंकि कंज्यूमर्स को भारी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में परेशानियां केवल SBI कस्टमर्स ही नहीं झेल रहे, दूसरे बैंकों में भी कस्टमर्स अक्सर इस तरह की दिक्कतों की बात करते हैं और ये एक आम बात की तरह से हो गई है। एक महीने पहले ही HDFC बैंक में इसी तरह से टेक्निकल ग्लिच हुई थी और बैंक के कस्टमर्स को लेन देन में दिक्कतें आई थी। ऐसी दिक्कतें अमूमन हर बैंक के कस्टमर्स के सामने आती है। कई दफा बैंक अपनी साइट्स के मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज को कुछ वक्त के लिए बंद कर देते हैं। कई दफा सर्वर या कोई भी टेक्निकल ग्लिच के चलते कस्टमर्स को परेशानी होती है। अगर SBI की बात करें तो योनो ऐप पर बनी हुई तकनीकी दिक्कतें इसके लिए बड़ी मुश्किल बनी है। इसके चलते योनो पर नए खातों को खोलने और लोन बांटने के काम में गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग कस्टमर्स को बार बार हो रही परेशानियों पर RBI भी बैंकों से सवाल जवाब कर चुका है, लेकिन इस मसले का अभी तक कोई ठोस हल निकला नहीं है। अब हालांकि SBI ने भले ही अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के बहाल होने की बात की है, लेकिन ग्राहकों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्या कोई जवाबदेही तय होगी, ये बड़ा सवाल है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।